आज का वीडियो है रॉ सिल्क फैब्रिक के बारे में और आज मैं आपसे बात करूंगी डिफरेंट वराइटीज ऑफ रॉ सिल्क और आप कैसे रॉ सिल्क फैब्रिक से अपने ड्रेसेस बना सकते हैं कुर्ता सेट्स बना सकते हैं और किस रॉ सिल्क मटेरियल से आपको किस टाइप के ड्रेसेस बनवाने चाहिए उनकी स्टाइलिंग कैसे करनी चाहिए तो हाय गाइस वेलकम बैक मैं हूँ वर्तिका और चलिए शुरू करते हैं रॉ सिल्क एक ऐसा मटीरियल है जो बाकी सिल्क फैब्रिक से बहुत स्टैंड आउट करता है और ये बहुत सारे वराइटी में आती है इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ऊपर नीचे होती है कुछ रॉ सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ आपको जो लोकल मार्केट में लोकल शॉप्स में मिलती है सौ रुपए दो सौ मीटर वो बहुत लो क्वालिटी रॉ सिल्क होती है अगर आप रॉ सिल्क कपड़े से प्लेन कुर्ता सेट भी बनवाते हैं तो वो भी बहुत इंपैक्टफुल होता है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा वर्क या डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है आज के वीडियो में मैं वही बात करूंगी कि आपको रॉ सिल्क फ़ैब्रिक में कितनी डिटेलिंग्स देने की ज़रूरत है कितना वर्क उसमें ऊपर से करवाने की ज़रूरत है तो इस वीडियो में मैं आपसे अपने कुछ पुराने रॉ सिल्क कुर्ते को शेयर करूंगी और आपको उसकी डिटेल्स बताऊंगी कि उसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है उस क्या फ़ैब्रिक लिया है क्या कॉस्ट का फ़ैब्रिक लिया है ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे शेयर तो सबसे पहला कुर्ता है ये जो मैंने यहाँ पर पहना हुआ है और ये थोड़ा सा स्टिफ मटेरियल है रॉ सिल्क का अब आप, आप जब भी कोई कुर्ता सेट डिज़ाइन कर रहे हो रॉ सिल्क से तो आपको जो सबसे पहली पॉइंट दिमाग में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप रॉ सिल्क कुर्ते से कैसा स्टाइल चाह रहे हो आप थोड़ा सा फ्लोई बनाना चाह रहे हो ड्रेस को या थोड़ा क्रिस्प ऐसे स्टिफ चाहते हो जैसे कि ये है मेरा वाला थोड़ा सा इसको मैंने स्टिफ बनाया है या आप उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स ऐड करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने फैब्रिक को चूज़ करना होगा रॉ सिल्क के अगर आपको थोड़ा क्रिस्प लुक चाहिए थोड़ा स्टिफ लुक रखना है तो आपको रॉ सिल्क के ब्लेंड फॉर्म में जाना पड़ेगा जो 100% परसेंट प्योर नहीं रहता है पर उसमें कुछ ब्लेंड्स होते हैं ये भी बहुत अच्छे फाइन क्वालिटी का रॉ सिल्क है पर जैसे मुझे थोड़ा सा क्रिस्प लुक चाहिए था इसलिए मैं थोड़े ब्लेंड की तरफ इस सेट को अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊँ तो ये आप देखो सेल्फ में इसमें पूरी जरी का काम हो रखा है ये एक स्ट्रेट फिट कुर्ता है और इसके नीचे मैंने पैंट सिलवाए रॉ सिल्क मटेरियल से ही और कलर भी मैंने सेम रखा है इसको मैंने स्टाइल किया है ये मिरर ईयर से और बहुत अच्छा लग रहा है चांद बाली है काफी बड़े साइज में है बहुत लाइट वेट है इसलिए बहुत कंफर्टेबल भी है बालों को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है स्ट्रेट ओपन करके मेकअप को मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है लिपस्टिक मैंने मैचिंग ऐसा न्यूड ऑरेंजिश न्यूड शेड में लगाई है आईलाइनर को मैंने बहुत सिंपल रखा है हाथों में बस ये एक कड़े को ऐड किया है मैंने दोनों हाथों में नेक मैंने इसका बिल्कुल क्लोज नेक रखा है और स्लीव्स मैंने यहाँ तक रखी है इसको मैंने बहुत सिंपल लुक बना बनाने की कोशिश की थी आप इस लुक को किसी के मेहंदी संगीत में भी पहन सकते हैं अगर आपको थोड़ा सिंपल रहना है ये कुर्ता मेरा 2017 का कुर्ता है तब मैंने इसको स्टिच कराया था किसी की शादी के लिए मैंने स्टिच कराया था और अभी भी मुझे बिल्कुल फिट है इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि आज भी मैं इस कुर्ते में बहुत आराम से फिट हो रही हूँ और कई बार मैं इसको पहन चुकी हूँ इसको मैं अपने ऑफिस के दिवाली फंक्शन में भी पहन के गई थी तो भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे रॉस सिल्क मटेरियल थोड़ा सा रफ होता है बिल्कुल वो स्मूद नहीं रहता है चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कुर्ते की तो ये है मेरा दूसरा लुक और यहाँ पे मैंने प्लेन रॉस सिल्क कपड़े से कुर्ता स्टिच करवाया है ये भी स्ट्रेट फिट कुर्ता है पर यहाँ पे मैंने वन साइड स्लिट कराई है एक साइड मैंने पूरा क्लोज रखा है और पैंट मैंने सेम पुराने वाले कुर्ते की पैंट ही पहनी है यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ही कुर्ते के साथ मेरे पैंट्स मैच हो जाते हैं यहाँ पे मैंने एक बनारसी दुपट्टा ले लिया है साथ में सिल्क कुर्ते की एक बहुत खास बात होती है कि आप इसको अलग अलग मटेरियल के साथ इसको आप पहन सकते हो जैसे आप अगर प्लेन रॉ सिल्क कुर्ता बनवा रहे हो तो आप उसको बनारसी दुपट्टे के साथ पहन लो शिफॉन दुपट्टे के साथ बहुत अच्छा लगता है नेट के दुपट्टे के साथ बहुत अच्छा लगता है तो जैसे कि ये मेरा बिल्कुल प्लेन लुक था अगर मैं इसके साथ कुछ प्लेन सिंपल मैचिंग दुपट्टा ले लेती तो थोड़ा सा ये ऑफ लग सकता था तो मैंने यहाँ पर क्या किया एक बनारसी दुपट्टा ऐड कर लिया है इसके साथ जिससे जो पूरा फोकस होगा इस आउटफिट का वो इस बनारसी दुपट्टे पर जाएगा और मेरा कुर्ता भी बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं लगेगा इसको मैंने सेम ईयर के साथ पहनी है मैंने कुछ चेंज नहीं किया है मेकअप ईयर कुछ भी चेंज नहीं किया है अब बात करते इसके मटेरियल की ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा सॉफ्ट है पुराने वाले कुर्ते से ये थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट है ये थोड़ा ज्यादा प्योर की फॉर्म में है वो थोड़ा सेमी प्योर था इसके नेक को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डीप और राउंड नेक रखा है स्लीव्स मैंने वही जितनी हमेशा मैं रखती हूँ टेन इंच से थोड़ा सा ज्यादा है इसके साथ ये बनारसी दुपट्टा बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और रॉ सिल्क को आप जितना ज्यादा प्लेन रखोगे उतना ज्यादा उसकी ब्यूटी एनहांस होती है तो इस टाइप के कुर्ते में ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उसको एक्सेसराइज करो या ऊपर बहुत सारी चीजें लगवाओ बटन्स, लेसेस वो सिंपल में ही बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है और बस आप प्लेन कर रहे हो तो आप उसके दुपट्टे के साथ प्ले कर लो थोड़े आप ईयर के साथ प्ले कर लो रॉसिल्क के साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती है उसको ओवर बनाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो अपने आप में ही आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर देगा मेरे तो ये सारे कुर्ते बहुत पुराने हैं जब रॉसिल्क बहुत शुरू शुरू में ट्रेंड में आया था मैंने तभी इन सारे कुर्ते को सिलवाया था ये कुर्ता मेरा टू का है तब मैंने इस कुर्ते को दूसरे दुपट्टे के साथ पहना था वो एक नेट का दुपट्टा है मैं आपको दिखाऊँगी अभी तो ये है मेरा दूसरा दुपट्टा ये एक नेट का दुपट्टा है बहुत सॉफ्ट नेट है बहुत अच्छी क्वालिटी का नेट है और इसमें मिरर वर्क हो रखी है पूरे दुपट्टे पे बॉर्डर में भी पूरी हो रखी है और बीच बीच में भी पूरे दुपट्टे पे मिरर वर्क है और जैसे कि मिरर वर्क बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो वापस से मैं इस दुपट्टे को यूज़ कर सकती हूँ और मैंने ईयरिंग्स भी मिरर वाली पहनी है तो बहुत ज़्यादा ये पूरा ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को और ये जो कॉम्बिनेशन है ऑरेंज एंड ब्लू का ये थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज है और जो ब्लू का कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है ये जो दुपट्टा है इसको मैंने ऐसा ओपन करके लिया है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये दुपट्टा मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हम दिल दे चुके सनम वाली मूवी की याद दिलाता है क्योंकि मुझे वो मूवी बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है और उसमें जो ऐश्वर्या राय ने पूरी मूवी में जो थीम फॉलो की है उसमें बहुत ज़्यादा नेट का यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा मिरर वर्क का यूज़ हुआ है और जो चांद छिपा बादल में जो गाना है उसमें जो वो दुपट्टा अपने लेवेंडर कलर के दुपट्टे को ऐसे करके देखती है चांद को वो वो सारे सीन मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसे फिट हो चुके हैं बचपन से जब से मैं वो मूवी देख रही हूँ और उसको मैं मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है उसको मैं हमेशा देखती हूँ तो ये दुपट्टा भी मेरा बहुत पुराना है टू फ़ोर्टीन फिफ्टीन का ये दुपट्टा होगा तब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था तो ये उस समय ये लेने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे ये हम दिल दे चुके सनम वाली मूवी का याद दिला रहा है पर मुझे नहीं पता था कि इस दुपट्टे को मैं इतना ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगी आगे तो अच्छा हुआ मैंने तब ये दुपट्टा खरीद लिया और आज मैं उसको बहुत अलग अलग आउटफिट के साथ पहनती रहती हूँ आप कंपेयर कर सकते हैं कि रॉ सिल्क फैब्रिक सबके साथ बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है बहुत स्मूथली ब्लेंड हो जाता है बनारसी दुपट्टे के साथ नेट के दुपट्टे के साथ और आप इसको शिफॉन जॉर्जेट के साथ भी दुपट्टे के साथ भी पहन सकते हैं वो इतना ही ग्रेसफुल लग तो ये है मेरा थर्ड आउटफिट ये भी सेम कलर में है ये भी बहुत पुराना कुर्ता है इसको मैंने टू में स्टिच कराया था ये भी सेम कलर फैमिली का है सेम स्टाइल में स्टिच कराया है मैंने इसको भी स्ट्रेट फिट कुर्ता है सेम स्लीव्स है बोट नेक है

रुपीज मीटर था और अभी उसको बनाए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो याद नहीं है पर जितना मुझे याद है वो टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी पर मीटर था सेकंड कुर्ता उससे थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का तो तो ऑब्वियसली उसका रेट भी थोड़ा सा ऊपर हो गया था वो शायद 350 के अराउंड पड़ा था मुझे पर मीटर और ये उससे भी ये उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी है तो ये उससे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में था तब वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी रॉ सिल्क में पर अब तो आपको इस टाइप का फैब्रिक भी बहुत कम रेट में मिल जाएगा अब वो हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी मीटर भी ये सारे मटीरियल्स मिलने लग गए हैं तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे थे अपने लिए बनवाने के लिए तो आप इसमें से जरूर कुछ रेफरेंस ले सकते हैं और मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में जहाँ पे मैं कुछ और स्टाइलिंग टिप्स और ऐसे रिक्रिएटिंग वीडियोज लेके आऊंगी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो आ, मेरे वीडियो का वेट करो और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय अपना ध्यान रखना